हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी दोस्तों का वेलकम है जी एम 360 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपकी जो तैयारी होगी बेहतरीन चलेगी। कैसे हैं दोस्तों बताएं फटाफट से। चलिए करेंगे सेशन की सीधा शुरुआत बिना किसी देरी के, चलते हैं अपने सीधे स्लाइड्स के ऊपर। देख लीजिए सीजीए बैच लॉन्च किया गया, 10 मंथ ड्यूरेशन के साथ प्रीमियम्स और सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, कोर्स की सारी डिटेल्स आपको जो है मिल जाएगी। मन में कोई डाउट हो, आफत हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सिमिलर जो है यूपीएससी बैच लॉन्च किया गया, 18 मंथ ड्यूरेशन के साथ प्रीमियम्स और सब्जेक्ट कवर कराएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू भी कवर कराया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको कोर्स की सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। ठीक है, सीधे आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, फटाफट इसको मुझे आंसर जो है आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे सारे दोस्त। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हैं चुटकियों में बिना देखे, बिना दिमाग चले आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर आया? क्या है? एल है, ई है, टी है, डी है, यू है, सी है, ई है, ई है, फिर सी है, यू है, टी है, टी है, ई है और ये एल है। क्या दिख रहा है आप सभी को? पी ए आर एस एन आई पी दिख रहा होगा, लॉजिक लॉजिक दिख रहा होगा। ये देखो सी यहाँ, ई यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे, टी यहाँ पे, ई यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आपको रिवर्स करना है क्रॉस करना, तो पी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर होगा, ए होगा और ये पी हो जाएगा। तो पी आई एन एस आर ए पी, पी आई एन एस, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पी आई एन एस आर ए पी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट एक बार, क्या कहते हैं आप? सिंपल है, 24, 32, 59, 23। चौबीस से 32 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, ये कितना? 9 से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 5 से 3 गया तो कितना? 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताया जरा आपने? यहाँ 13 से 9 गया तो कितना? 4 हो जाएगा और 11 से 5 गया तो 6 हो जाएगा। ये क्या है आपने? ये 2 का क्यूब है, ये क्या है? 3 का क्यूब है, ये क्या है? 4 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब कितना? 125। कितना आ जाएगा? 20 से 40, 5 3 8 48। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 1123 में आपको 125 ऐड करना है तो 1248 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा क्या आंसर आ रहा है। कितना आ जाएगा? टी का 20 होता है, एक्स का कितना? 24 होता है, एफ का 6 होता है, जे का कितना? 10 होता है। तो क्या दिखा आपके? प्लस का 4 दिखा, तो 24 में प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 पे क्या आता है? बी आता है। देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पूरा अगर मैं कोशिश करूँ निकालने का तो एस का कितना? 19 होता है, बी का कितना? 28 होता है, और टी का 20, सी का कितना होता है? फिर 29 होता है। क्या दिख रहा आप सभी को? 9 का ऐड होता हुआ दिख रहा, यहाँ भी प्लस का 9, यहाँ भी प्लस का 9, तो यहाँ भी क्या करेंगे? प्लस का 9 करेंगे, बी बी में 2 कर ऐड कर, सॉरी 9, बी का 2 होता है, 9 ऐड करेंगे तो कितना? 11, यानी कि कितना के आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पलटा मार दीजिए राइट की तरफ।
क्या हो जाएगा, देखिए फोर सब जगह सही है, सेवन सही है, ये वाटर इमेज बना दिया मना कर दो, इसने भी वाटर बना दिया मना कर दो, यहाँ पे देखो एलिमिनेट करो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, थ्री थ्री हो जाएगा, ये एस उसने क्या किया, ये उसने एस के साथ कुछ मजाक नहीं किया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 12 27, बताइए क्या आंसर होगा। आया कुछ आंसर, सिंपल है ना, ये क्या है आपके, ये 3 का क्यूब है, ये क्या है भैया 4 का क्यूब है, तो 24 से 12 कितना आ जाएगा डिफरेंस, 24 से 12 तो 12 12 का आ जाएगा, अच्छा 29 से 13 करेंगे 16, हाँ ठीक है चलो, डिफरेंस देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का क्या करेंगे इस क्यूब कर देंगे, ये कितना का डिफरेंस आ जाएगा इसके बीच में, आप कहेंगे 16 का आ जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, और ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, एक सौ 32 से कितना आया कोई तो बताओ, और पाप इंसानों बत्तीस से 33 एक का डिफरेंस, 33 से 29 चार का डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा 27, 29 से 31 और 26 और यहाँ से 26 और 1 27, ये कितना हो जाएगा 56 से कितना हो गया 85 हो रहा ना, ये 50 32 से 33 33 ये माइनस, ये कितना प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है 56 से करेंगे माइनस का कितना 14 हो जाएगा, 5 का कितना 5 होगा, 6 से 4 का कितना 2 हो जाएगा, 125 हो जाएगा प्लस का, ये क्या है देखो आपको, ये 5 का क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, ये क्या 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये क्या 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, ऑप्शन में नहीं है, अच्छा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 15 से 6 गया तो 9, दो ऑप्शन है, तो 299 तो होगा नहीं, ये तो ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये चाहो तो 265 माइनस का कितना 30 का 6 माइनस कर दो, 15 से 6 गया तो कितना 9 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास कितना 5 से 3 गया तो कितना 2 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 ही रहेगा, 229 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, ब्राइट को ये कहा गया है, रॉकेट को ये कहा गया है, तो कॉस्टली को क्या कहा जाएगा, बी होगा, आर होगा, आई होगा, जी होगा, एच होगा और ये टी होगा, ब्राइट को क्या लिखा गया है, आई वाई टी आर जी एस, और इधर पूछा किसका है कॉस्ट, सी ओ एस टी एल वाई,
तो ब्राइट का क्या हो जाएगा, देखो आप कहेंगे इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, बस ऑपोजिट ऑपोजिट खेलना है आपको। ओ का ऑपोजिट एल होता है, सी का एक्स होता है, टी का कितना जी होता है, एस का कितना एच होता है, वाई का कितना बी होता है, एल का कितना ओ होता है। तो क्या हो जाएगा, एल एक्स जी एच, एल एक्स कहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता, एल एक्स जी एच, ये एच जी हो गया, मना कर दो, बी ओ ऑप्शन नंबर वन ही राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन का कला आपको सीखना पड़ेगा। क्या आंसर आया, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन या फिर चार ऑप्शन? पाँच से नौ हो रहा है, इनटू का वन कर सकते क्या, नहीं, इनटू का टू करेंगे, माइनस का वन ज़्यादा आसान रहेगा। नौ इंटू में दो कितना, अट्ठारह करेंगे, प्लस का कितना, थ्री करेंगे, 21 इंटू में दो क्या 42, प्लस का कितना 1, 21 दूना 42, यही तो हो रहा है। 43 इंटू में करेंगे कितना हो जाएगा, 43 इंटू में दो 46, 86 प्लस का 5 करेंगे, यहाँ पे इंटू का दो करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 185 इंटू में दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 36, 360 तो 370 यही होगा, 370। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 370, 6 कर सकते, नहीं, 1 3 1 5 3 आ गया, तो 1 होना चाहिए, तो 70 1 71 तो है नहीं ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तीन एक पाँच तीन, प्लस का हम क्या कर सकते हैं इसमें, 76 हो नहीं सकता है, जुड़ेगा तो ऑड नंबर ही जुड़ेगा, माइनस नहीं होगा तो 66 नहीं हो सकता है, 67 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, 377 यानी 7 ही जुड़ेगा, 377 थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और, कौन सा आंसर आ रहा है, सिंपल है, तो 16 इंटू में दो 32 करेंगे, और 32 से क्या करेंगे, माइनस का 3, तो इंटू का 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 116, यहाँ देखिए माइनस का 5 हो रहा, और यहाँ देखिए इंटू का 6 हो रहा, तो 116 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से है,
क्या आंसर आएगा जब इसको एलिमिनेट करेंगे, नीचे की तरफ ओपन करेंगे इसको, तो ये इस तरह कुछ आ जाएगा, इसके साथ में यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, और फिर इसको नीचे की तरफ और पलटा मारेंगे, राइट की तरफ पलटा मार देंगे पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाएगी, इधर ये क्या सर्कल आ जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, एक का ऑपोजिट आपसे पूछा गया, कोई दमबाजी बात है नहीं, इसको देखते ही आप आंसर कर देंगे फटाक से झटाक से। दो यहाँ पे, पांच यहाँ पे, दो यहाँ पे, पांच यहाँ पे, यहाँ छः बचा, यहाँ एक बचा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सम चेयर्स आर रैक्स और बेड्स आर ट्रेज और रैक्स आर बेड्स, क्या आंसर हो जाएगा इसको बताएं। क्या रिश्ता है इनका आपस में, क्या रिश्ता है इनका। सम चेयर्स क्या हो जाएगा, सम चेयर्स जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे रैक हो जाएगा, और बेड क्या ट्रेज हो जाएगा, एंड और रैक क्या बेड हो जाएगा, और रैक जो है क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, और बेड क्या हो जाएगा, ट्रेज हो जाएगा। सम चेयर्स आर बेड, सम चेयर जो है क्या है, बेड दिख रहा है क्या आपको, ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा होगा, हाँ या ना, ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा होगा। सम चेयर आर बेड, चेयर का ये पार्ट जो है वो किसके अंदर है, बेड के अंदर है, सही बात है। और बेड आर रैक, क्या सारे के सारे जो बेड है वो रैक हैं क्या, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा, क्या करोगे, मना करेंगे। और ट्रेज आर चेयर, के सारे के सारे जो ट्रेज है वो क्या दिख रहा है आपको, चेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, मना कर दो, राइट आंसर ऑप्शन एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर दौड़ेंगे, 13 नंबर का। क्या आंसर आएगा इसका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एक, पाँच, चार या फिर दो, क्या कहते हैं आप बताइए ज़रा, क्या आंसर आ रहा है आपको। सात दोस्त हैं, सबकी अलग अलग एज है, चलो 7 डॉट बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। W X से बड़ा है, W जो है X से बड़ा है, लेकिन V से छोटा है, V से छोटा है, केवल 3 व्यक्ति V से बड़े हैं, तो 1 2 3 केवल V से बड़े हैं, 3 व्यक्ति ठीक है। T जो है U से बड़ा है, ठीक है भैया, T जो है U से बड़ा है, लेकिन जो है टी एस से छोटा है, ओके, वाई सभी में सबसे छोटा है, तो वाई यहाँ पे बैठ जाएगा। कितने व्यक्ति यू से बड़े हैं,
वी के नीचे ये देखो डब्ल्यू और एक्स दो जगह चाहिए वी के नीचे, जो दो जगह, एक तो ये बचा हुआ है, एक ये दो बचा हुआ, तो यही दो बचे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स फिक्स हो जाएगा। अब एस टी यू तीन चाहिए और तीन ही जगह यहाँ बचा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये होगा एस हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। कितने व्यक्ति यू से छोटे हैं, तो एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यू से छोटे पूछा गया तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल था, बस जैसा बोल रहा था वैसा हमें करना था, आंसर होता हमारे सामने। 14 नंबर कीजिए। क्या आंसर होगा, पच्चीस पाँच दस दो आठ सत्रह, यहाँ भी की लग रहा है और यहाँ भी की लग रहा है, तो देखो पहला और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये और ये हो सकता है क्या, 1/5 दो इधर इंटू नहीं है, ये नहीं लगा, ठीक है, ये तीन ऑप्शन बच गए, तो क्या लगा सकते हैं, 25 अगर हम करें, 25 हो जाएगा, 5 होगा, 10 होगा, 2 होगा, 8 होगा, और ये कितना 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड रखूँ, ये इंटू, ये माइनस, ये प्लस, ये इक्वल, 5 से कितनी हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा 50 58 256, ये तो भैया हो नहीं सकता है, तो कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ जाएंगे। पच्चीस का दूसरा ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 प्लस में कितना 20, माइनस का कितना 8, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, माइनस का 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताएं, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राधिका जी ने क्या कहा, देखते हैं क्या कहा, कैसा रिश्ता हो रहा है इनका। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधिका जी ने कहा, क्या कहा बताया जरा मुझे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधिका जी ने क्या कहा, कुछ तो कहा होगा, बताओ बताओ। राधिका जी ने क्या कहा कि उसके पुत्र की बहन मेरे पुत्र की बहन है, वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार संबंधित है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधिका जी ने कहा, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हमारे पास कौन हो जाएंगे, राधिका जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके पुत्र की बहन कोई पर्सन है, उसके पुत्र हो जाएगा कोई, ये हो जाएगा उसके पुत्र की बहन, इसकी क्या हो जाएगी बहन, मेरे पुत्र इनकी कोई क्या हो जाएगा सन, मेरे पुत्र की बहन इनकी कोई क्या है बहन, इसकी क्या लग जाएगी, ये बहन हो जाएगी, तो ये कैसे हो सकता है, ये इसका भाई हो गया और इसका कोई पर्सन हो गया, इसका बेटा हो गया, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, हस्बैंड ही होगा क्योंकि ये सारे सिबलिंग्स ही हैं, सारे सिबलिंग्स ही हैं, तो ये दोनों इनका क्या होगा हस्बैंड वाइफ का, ये फीमेल हो जाएगी, ये मेल हो जाएगा, और ये सारे सारा मैंने कई बार बताया। अब यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पुत्र नहीं दिखना है, बहन नहीं दिखना, बहन की बहन नहीं दिखना,
प्लस माइनस में सारा खेल आपको करना है जिससे टाइम सेव होगा। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यही पूछा ना, वह व्यक्ति यानी ये पर्सन जो है राधिका से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या होगा, हस्बैंड होगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, अड़तालीस, 12, 625, 25 और 21। दो जगह आपको की दिखेंगे, एक तो यहाँ भी की दिखेगा और यहाँ भी की दिखेगा। दो ऑप्शन देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, को पहले आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। 48, ये कितना 12, ये इक्वल, उसके बाद ये 625, ये कितना 25, और माइनस का कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, 12 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी हमारे पास 4 बच्चा, 25 से कितनी बार जाएगा, 25, और यहाँ पे 25 माइनस का 21 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, खूबसूरत सा प्यारा सा सुंदर सा सवाल आपके सामने, गलती नहीं करना है, आंसर करना है बस। आया आंसर 128, ये 8 बंद करो, ये कितना 5 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना 23 हो जाएगा, ये 18 होगा, ये 2 हो जाएगा, और हमें इसका आंसर बताना। अब जैसे जैसे कहता जा रहा वैसे कर देते। क्यू किसको बोलता है, डिवाइड को बोलता है, डिवाइड लगा दो। आर किसको बोलता है, कहाँ गया आर, प्लस को बोलता है तो प्लस कर दो। पी किसको, इन टू को, तो इन टू बोल दो। एस किसको बोलता है, एस माइनस को बोलता है। आर किसको, प्लस को बोलता है, और P इंटू को बोलता है। चल कितनी बार जाएगा, 8 से कितनी बार जाएगा, ये 16 चला जाएगा, प्लस में कितना 35 होगा, माइनस का कितना 23 होगा, और 18 दूना 36। यहाँ से देखेंगे तो माइनस का कितना बचेगा क्या, प्लस का 13 बचेगा, और यहाँ से 16 13 कितना होता है 29, या फिर ऐसे का 35 48 हो जाएगा। 48 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 का 4 मिल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। तो 17 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट बताइए 18 नंबर, अरे चलना आगे, क्या हो गया, अटक क्यों गया ये। पीछे हो रहा है, एक सेकंड देना। एक सेकंड रुकना,
हाँ कीजिए, एविडेंट को ये, डायनामिक को ये, तो फिक्शन को क्या देखा जाएगा? एविडेंट को ये देखा गया है, डायनामिक को ये, तो फिक्शन को क्या देखा जाएगा? ई वी आई डी ई एन टी, क्या देखा? एन टी आई डी ई ई वी, ठीक है। डी वाई एन ए एम आई सी, इसको भी हम दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ई का दिख रहा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी ई आ रहा है, तो इसको मत दीजिए आप, इसको आप मत दीजिए, दूसरा वाला कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। डी वाई एन ए एम आई सी, सारे लेटर अलग अलग है ना, तो हमें आसान होगा। आई सी एन ए एम डी वाई, अब एफ आई सी टी आई ओ एन का पूछा गया है, ठीक है। डी वाई यहाँ पे दिख रहा है आपको, डी वाई यहाँ पे दिख रहा है, आई सी यहाँ पे दिख रहा है, आई सी यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले हम यही काम कर देते हैं। एफ आई यहाँ दिख रहा है, डी वाई है ना, तो एफ आई ही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ओ एन हो, आई सी दिख रहा है, आई सी की जगह क्या करेंगे, ओ एन कर दीजिए। अब देखिए एन ए एम क्या किया इसने, बीच वाले के साथ कुछ नहीं किया क्या? सी टी आई ओ एन सी टी आई ओ एन सी टी आई एफ आई, ऑप्शन नंबर 18 का 2 हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ था ही नहीं यार इसमें तो। नेक्स्ट इसको ज़रा पूरा कीजिए, इसको ज़रा पूरा कीजिए, अरे ओ श्याम भा, इसको पूरा तो करो। सिंपल है, क्या करेंगे, इस तरह से मिला दो, इसको इधर मिला दो, बस हो गया, इतना ही तो करना था शायद, या और कुछ बन रहा है? ये पूरा बन गया, अच्छा इसको भी मिलाना है और इसको भी मिलाना है, तो ये दो छोटे से भाई साहब इधर है, इधर है, इधर है, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा दूर, ये तो देखो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ये, तो बचा क्या हमारा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाई पिता चित्रकार, क्या आंसर आए? कुछ लोग गलती करेंगे अभी, कुछ लोग ए भी कहेंगे, कुछ लोग डी भी कहेंगे, कुछ लोग सी भी कहेंगे, कुछ लोग बी भी कहेंगे, अलग अलग तरह के आंसर अभी आएंगे, अलग अलग दोस्तों के। नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ आप कहेंगे ब्रो, क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। कुछ फादर क्या हो जाएगा? पेंटर्स हो जाएगा, और कुछ पेंटर्स जो हैं क्या हो जाएंगे? ब्रो हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। इसके अलावा अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर गलत आ रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन, क्या आंसर आया? अच्छा क्वेश्चन है, बट नो नो नो, इजी क्वेश्चन। एक मिनट देता हूँ अगेन, मैं आपको फिर से ज़रा बताया मुझे।
आया किसी का कुछ आंसर? ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, ज़रा बताएं। नहीं आया क्या? इतना सिंपल तो है। यही क्वेश्चन है जो फंसा देता, नहीं एग्जाम हॉल में रीजनिंग में टाइम टेकिंग हो जाता, टाइम खा जाता, यही ऑप्शन। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? 19 इंटू में 3 कीजिए माइनस का 81 डिवाइड में 3 कीजिए। 57 माइनस का कितना? 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लेंगे 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितना करेंगे? 42 इंटू में 3 करेंगे माइनस का 57 डिवाइड में 3 करेंगे। 120 और 6, 100 कितना हो जाएगा? 26 माइनस का कितना? 19 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 107। सिंपल जो है 23 इंटू में कितना? 3 माइनस का कितना? 45 डिवाइड बाई 3 तो 69 माइनस का 15 कितना आ जाएगा अपने पास? 54 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 किसी का आया था? अगर आया था लॉजिक क्या लगाया हमने? ए इंटू में 3 माइनस का बी बट्टा में 3 करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा बराबर में क्या? सी। ठीक है, इस तरह से चलना है हमें हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट 22 नंबर। क्या आया इसका? यहाँ देखिए आई से एफ हो रहा कितना? 9 से माइनस का कितना? 3 हो गया। एफ से सी माइनस का 3 हो गया। माइनस का 3 करेंगे एल आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एल का कितना? 12 होता है, यहाँ छोड़ दो। वी का कितना? 22 आया। ए का कितना? 1 आई या फिर कितना? 27 कह सकते हैं आप। अगर ए का यहाँ 1 देखेंगे तो एफ का यहाँ पे 6 देखेंगे तो कितना दिखेगा? प्लस का कितना? 5 दिखेगा। यहाँ से चाहते तो आप यहाँ से भी देख सकते थे। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 5 करेंगे किस में? एल में तो 17 यानी क्यू आ जाएगा। एल के बाद क्यू आ जाएगा, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 आंसर राइट आंसर। प्रयास जो रजत का इकलौता पुत्र है प्रकाश जी से कहते हैं, क्या कहते हैं प्रकाश जी से? देखिए ज़रा, आपको एक मिनट देता हूँ, आराम से कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, नो डाउट विदाउट एनी डाउट, नहीं नो डाउट विदाउट एनी डाउट। क्या आंसर आया इसका? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4, कौन सा आंसर कहते हैं आप? ज़रा बताइए, क्या कहते हैं आप बताइए तो। क्या कहता है प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है? कौन प्रियांश कहता है? किससे? प्रकाश से। प्रियांश ने कहा किसका? प्रियांश ने कहा प्रकाश से। ठीक है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ वीना, मेरे पिता, अच्छा इनके क्या हो जाएंगे? ये पापा हो जाएंगे। मेरे पिता की, इनके पिता की क्या हो जाएगी? बड़ी बहन हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहता है? जो कृष्णा का, मेरे पिता की बड़ी बड़ी बहन है, जो जो किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए है। सेकंड पर्सन कौन सा है? पिता। ये किनका पुत्र है? आप कहेंगे कृष्णा का। ठीक है,
तो पूछा क्या है, और इनका बेटा कौन है, प्रकाश प्रकाश तो पूछा क्या, रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, रजत जो है प्रकाश से किस, रजत कहाँ गया, रजत कौन था, प्रियांश जो रजत का एक होता पुत्र, प्रियांश जो रजत, अच्छा ये रहा रजत। पूछा क्या, तो रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, इनके क्या हो सकेंगे, ये मामा जी लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट, छः चौक 24, 9 छक्के 54, तो 12 तो सिंपल है यार, ये तो सिंपल हो गया, ये तो खेजा हो गया खेजा। सिंपल है ये तो, 6 × 4 = 24, 9 × 6 = 9 छक्के 54, तो 12 × 8 करेंगे 96 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कहेंगे आप। दिए गए संख्या युग्मों में क्या आंसर आएगा, स्टार लगा हुआ है, मतलब गुड क्वेश्चन। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, आया किसी का आंसर, नहीं आया तो सिंपल है, ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, बी। 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस का 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26/2 करेंगे 13 आ जाएगा। 2 का क्या कर, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस में कितना करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2/2, आना कितना चाहिए था आप कहेंगे 1, जो कि है नहीं, तो यही हमारा राइट आंसर। इस बार एक बार इसको चेक कर दो, कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 और 1 10/2 करेंगे 5 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में प्लस का कितना 1 करेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे, तो 25 आ जाएगा, सिंपल। ये शीट ख़त्म होता है यहीं पे, दूसरी शीट देता हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ी सी। कीजिए इसको, कीजिए बताइए बेटा फटाफट। क्या आंसर आ जाएगा इसका, सॉरी 359 आप जानते होंगे। इसका क्या कर सकते हैं, 7 का क्यूब करेंगे, प्लस में क्या 4 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 343, प्लस में कितना 60, तो कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा। इसका ए का हमने क्या किया, ए का क्यूब किया, तो इसमें क्या बी का स्क्वायर किया, बराबर क्या हो गया, सी हो गया। ए का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 करेंगे, और कितना करेंगे 2 64 और 68 नहीं हो सकता ये। 5 का 125 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 6 का 216 हो सकता है क्या, और 8 का क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर, 6 का क्या, सॉरी बी का हमने किया है, ए का क्या स्क्वायर किया है, और बी का क्या किया हमने, क्यों किया, तो 8 का स्क्वायर कितना 512 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, तो 548 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ज़रा, क्या कहते हैं आप,
कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन? एम आ रहा है, एम के बाद यहाँ पे एल दिख गया, तो यहाँ एल करेंगे। वैसे ऑप्शन भी देखोगे आप, सारे ऑप्शन में शुरुआत एल से हो रहा, तो एम एल हो गया, टी क्यू। अब दूसरा ऑप्शन में देखिए, क्यू के बाद कहीं पे कुछ है कि क्यू आर आ रहा है, क्यू आर एम आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आर तक ही रखते हैं। एम एल उसके बाद क्या आ जाएगा, टी क्यू आर, एम एल टी क्यू आर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एम एल टी क्यू आर, तो एम एल टी क्यू आर, ये क्या है हमारा सीरीज है। और अगर हम आंसर की बात करें तो L होगा, R होगा, T होगा, L होगा, R होगा, फिर से L होगा, और ये क्या Q हो जाएगा, तो L R T L किस ऑप्शन में है ऐसा देखिए, L R T L, L ये तो नहीं होगा, L R ये भी नहीं होगा, L R यहीं पे है, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा, ये फर्जी है, ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए ज़रा करके, डायग्राम तो दिख रहा है ना, यहाँ पे चार बॉक्स में इस तरह से हैं, इस तरह ये और ये इस तरह से बना हुआ। तो देखिए और करके बताइए, कौन सा आंसर हो जाएगा, इधर साथ में जाएगा, ये जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, पलटा मारेंगे तो इस तरह से बन जाएगा कुछ, इधर और टेढ़ा बन गया, नहीं पलटा मारेगा और ये इधर से बन जाए, इस तरह से, इसने एक ही डायरेक्शन रखा हुआ है, एक डायरेक्शन हो सकता है कि यहाँ अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये ऑप्शन है, ये हो सकता है शायद, ये ठीक है, ये नहीं होगा, यही होगा, मैंने इसको अपोजिट दे दिया था जो कि सही सेम था, वो तो सॉरी सेम नहीं था, अपोजिट था। इसमें क्या है, देखिए अभी कहा कर दक्षिण के जो निम सिंह मचिन को क्वेश्चन मार्क कहाँ है, एम्बेडेड फिगर है, ये इंस्ट्रक्शन फर्जी है, इंस्ट्रक्शन फर्जी है, आपको वो ढूंढना है क्या, एम्बेडेड फिगर आपको बताना है इसका। या फिर ये हो सकता है कि जो इसमें एम्बेडेड ना हो, नॉट एम्बेडेड है क्या, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, नो इंट्रोविज वर्ट, नो आई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, मना कर दो, ऑल ई क्या हो जाएगा, ऑल ई जो है आई ए हो जाएगा, हो जाएगा, नो आई इज ए, नो आई इज ए, आई जो है सिर्फ और सिर्फ ई वाले पार्ट में नहीं जाएगा, बाकी दस पार्ट में जा सकता है, मना करो, नो ए इज एन आई, नो ए इज एन आई, ए क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, सम ए आर एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट इन सब, एमीवर्ट एक्सट्रोवर्ट है, यस, ऑल एम वी वर्ट है, नहीं हो सकता, राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ्स का घुस गया इसमें, कोई बात नहीं, 14 नंबर पे आ जाओ।
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। कितना 5 हो जाएगा, ये 4, 6, 8 हो जाएगा, ये कितना 18 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये इनटू होगा, ये डिवाइड होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, इक्वल होगा, इनटू हो जाएगा। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 दूना 36, और ये कितनी बार जाएगा, 108, 26 बार जाएगा, 26 × 5 130, प्लस में कितना 70, माइनस का कितना 180, तो ये कितना होगा 13 और 7 200, माइनस का 80 करेंगे 180, तो बचेगा 20, और यहाँ 4 × 5 कितना 20 होता है, तो 20 20 बराबर ऑप्शन नंबर टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन टू सही आंसर। तो अभी करते हैं सेशन को यहीं पे ख़त्म, सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच। ठीक, मिलते हैं कल अगली क्लास में 3:00 पर एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।